मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू, मेरी इबादत बंदगी, मेरा इश्क तू, मेरा इश्क। क्या करता है नशा, क्या करता है? बेखुदी करता है, आप खुद को भूल जाते हो, है ना, बेखबर करता है आपको, बेसिकली इग्नोर करता है चीज़ों से। तो जब आप चीज़ों से इग्नोर होते हो तो खुद ब खुद क्या होता है, आप ऐसा नहीं होता कि टेंशन दूर हो जाती है, टेंशन से ध्यान हट जाता है, टेंशन तो वहीं रहती है पर टेंशन से ध्यान हट जाता है। नशे में क्या होता है, टेम्प्ररी, अब तो फ़र्क नहीं, भली लाश पड़ी होगी, भूल जाते वो चीज़, भूल जाते हो, चीज़ गायब नहीं हो जाती है, है ना, वो एक इग्नोर हो जाता है, एक आप भूल जाते हो उस चीज़ को। तो उस पर एक शेर मैंने पिताजी को सुनाया, और कोई नशा हो टूट जाता है, कोई नशा हो टूट जाता है, कब तलक खुद को बेखबर रखिए, कब तलक खुद को बेखबर रखिए। तो कोई नशा हो, यानी कोई भी नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, वो टूट जाता है एक समय आने पे, उतरेगी, है ना। भाई जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, सुबह तक तो सारी उतर जाएगी। नुसरत फतेह अली खान ने जो गाई ये चीज़ यही है कि कोई नशा हो टूट जाता है, खुद को कब तलक बेखबर रखिए। बेखबर यानी किसी चीज़ की खबर न हो, कब तक रखोगे। वो नशा आपको बेखबर कर रहा है ना उस चीज़ से कि वो नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि वो बिछड़ गया आदमी या वो चीज़ जुदा हो गई आपसे। नशा उतरेगा फिर याद आ जाएगा। तो कोई नशा हो टूट जाता है, है ना। तो ये चीज़ मैंने जैसे ही सुनाई तो पिताजी ने बोला, एक एग्जाम्पल दिया कि सही बात है, ये तो सही चीज़ है, पर किसी ने ये भी लिखा है कि सारे नशे चढ़ के उतर जाते हैं, पर इश्क का नशा चढ़ता है वो उतरता नहीं है, वो चढ़ता है वो आदमी को डुबो लेता है। तो मैंने कहा वो तो सत्य है। तो सामने वो आदमी, जो भी वो आदमी आता है दूध देने, वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, इश्क भी उतर जाता है। मेरे मन में तो आया उसको पूछूं, मैंने कहा हुआ है कभी? जो उतरता है ना वो इश्क नहीं होता है, वो चाहत होती है खाली, वो आकर्षण होता है, बॉडी से होता है, बॉडी से होता है, वो जिस्मानी भूख है वो मिट जाएगी, वो मिट जाती है। उससे सुंदर कोई दिखा तो वहां से ये उतरा उधर, अरे किस किस से प्यार करूं, किस किस से प्यार करूं, वो चीज है, तो वो उतर जाता है। इश्क नहीं उतरता, इश्क मीरा ने किया था, जहर पी लिया तब भी नहीं उतरा, वही तो चीज। मैंने पूरी अपना जो मेरा गीत है उसमें यही चीज तो लिखी है कि मेरा इश्क तू। जब इश्क होता है ना तो उसका पहनावा, शरीर भी ज्यादा उस पर फोकस ही नहीं जाता, फोकस जाता ही नहीं है भाई। दिन रात जो अभी मैं बोल रहा था कि भैरव बोलती है कि भैया सवे आओ, सवेरे आओ मिलने, जा रहे हैं मिलने, उसे इश्क कहते हैं। और उसे मिलने को भी ऐसा नहीं कि मन करता है कि उसे मिले, बस वहां बैठना है, दूर से भी। हाँ, वही चीज तो लिखी है मैंने कि मेरा मजहब इश्क है, मेरा रिलीजन, मेरा धर्म है इश्क, तू मेरी बंदगी है, बंदगी मतलब आराधना, पूजा, वो ये जब लेवल। अभी आप चाहो तो इसको सिर्फ आप महबूब महबूबा तक रख लो, है ना, या फिर ऊपर पहुंचा दो पूरा ईश्वर तक, है ना। तो हमने तो उसी सेंस में लिखा है कि मेरा मजहब इश्क है, तू है मेरी बंदगी, इश्क ने जोड़ी हुई है मेरी सांसों की कड़ी, मेरी सांसों की कड़ी एक से कड़ी, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, यानी सांस एक के बाद एक आ रही है, ये इश्क की वजह से हो रहा है। इश्क किया है तुझसे, मेरे लिखा हुआ है, इश्क इश्क ने जोड़ी हुई है मेरी सांसों की कड़ी, मरीज मैं दीवानगी का, इस दीवानगी का मरीज हूँ मैं, तो मैं मेरी बीमारी यही है, मेरा मर्ज क्या है, दीवाना हूँ मैं, जब चाहे मर्जी पड़ती जब बैठ जाता हूँ लेके इसको, है ना। तो आप इसे अगर महबूब महबूबा में ले जाओ तो कि तू जब बुलाए मैं आ जाता हूँ, तेरे साथ हमेशा पूरा दिन बिताना चाहता हूँ, सुबह से शाम तक मैं तेरी गली में शाम कर सकता हूँ, रात पूरे दिन बिता सकता हूँ, ये दीवानगी है, और तू ही मरहम है मेरा, मरहम यानी ये जो मलहम दवा इसे कहते हैं, मैं मरीज हूँ ना, मैं मर्ज तो मेरे मर्ज का इलाज क्या है, तू तू ही मेरा मरहम है, मरीज मैं दीवानगी का, तू ही मरहम है मेरा, दवा तू एक दुआ तू है, इलाज इश्क ही बस मेरा, कि तू ही दवा है, तू ही दुआ है, इलाज मेरा सिर्फ इश्क ही है और कोई इलाज नहीं, मैं इसी का तो मरीज हूं,
और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तू दौलत दे दे मुझे, नहीं चाहिए, हुस्न दे दे मुझे, नहीं चाहिए, कुछ भी दे दे मुझे, शोहरत दे दे, नहीं चाहिए, है ही नहीं मेरा इलाज वो, मेरा मर्ज ही नहीं है, मेरा मर्ज इश्क है, वही इलाज है मेरा, दिल की चाहत नहीं, इबादत है, इबादत छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, इश्क की 7 स्टेजेस होती हैं इस्लाम में, इश्क की 7 स्टेजेस होती है ना, उस पर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसमें उन्स, अकीदत, इबादत, इश्क और आखिरी मौत। हम इश्क के 6 मकाम पर हैं, 7 मकाम होते हैं इश्क में, 7, दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत और जुनून। हिंदू माइथोलॉजी में भी यही है, आखिरी क्या है, समाधि, समाधि मतलब क्या, उसे कोई समाधि कहते हैं, वो है आराधना की, यानी कि घंटी तक रह गए बैठे बैठे, उसके बाद वही है ईश्वर से एकाकार, खत्म, बैठे बैठे यहाँ से अलग, उसे कहते हैं समाधि, तो वो क्या है, आखिरी स्टेज है उसी तरह से। इबादत मतलब सिर्फ तू है, इबादत मतलब पूजा, मीरा, मीरा की पूजा है वो इबादत है कृष्ण की, हर जगह और कुछ नजर नहीं आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है, आता था क्या मीरा को, कुछ नजर नहीं आता था, दीवानी बने बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, नहीं होता ऐसा लोगों को, है ना। इस पे भी मैंने थोड़े दिन पहले लिखा है कि ये देखिए, ये जो शायरों के तसव्वुर में जैसा इश्क है, तसव्वुर यानी कल्पना, है ना, इस पर मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखा है कि न वो नजर न हुस्न ना वो लुपन बचा, न वो नजर, देखने का नजरिया, न वो नजर न हुस्न न वो खूबसूरती, है ना, न वो नजर न हुस्न ना वो भोलपन बचा, वो भोलापन, वो भोला, वो इनोसेंस सब नहीं है लोगों में, छलकपट है अब लोगों में, न वो नजर न हुस्न ना वो भोलपन बचा, न वो कशिश है, कशिश यानी आकर्षण, वो अट्रैक्शन, न वो कशिश है न मासूम अब कोई बचा, अब नहीं है वो, मासूमियत होती है, मासूमियत भी अट्रैक्ट होता है इंसान, पिल्लों पे क्यों अट्रैक्ट होता है, छोटे बच्चों पे क्यों होते हैं, मासूम है वो, अबोध है, उन्हें कुछ नहीं पता है, उनमें छलकपट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ हैं, तो न वो नजर न हुस्न ना वो भोलपन बचा, न वो कशिश है न मासूम अब कोई बचा, और ये शायरों के तसव्वुर में जैसा इश्क है, जैसा ये लोग लिखते हैं, ये जैसा हमने भी लिखा है, कल्पना में, कल्पना से ही तो लिखा है ये, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से लिखा है ये, कि ये ऐसा होता है भैया, ऐसा हो तो वैसा हो, ये दीवानगी, मीरा क्या है, कवि हैं, कवित्री हैं, उनकी कविता में, उनके भजनों में क्या है, वो जैसा इश्क है वो नहीं मिलता है, वो हकीकत नहीं है, रियलिटी नहीं है वो, वो कल्पना है वो, दर्द न जाने कोई, तो ये शायरों के तसव्वुर में जैसा इश्क है, न वैसा शख्स जमाने में है कोई बचा, कि ऐसा शख्स जमाने में नहीं है, अब नहीं है, ढूंढते रह जाओगे, तो वो लिखा है कि दिल की चाहत ही नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि दिल लगा है तुझसे, तू दिल लगी है तू मेरी, नहीं दिल लगी नहीं है, दिल की चाहत ही नहीं बस है इबादत मेरी तू, मोहब्बत बहुतों की होगी पर मेरा तो इश्क तू, मोहब्बत किसी से भी हो जाती, प्यार मोहब्बत से रहा करो भाई आपस में, ये कोई नहीं कहता कि इश्क करो एक दूसरे से, मोहब्बत किसी से भी कर सकते हो आप। अजीब जज्बा है जब इश्क, तो मोहब्बत की इंतहा जब हो जाती है तो उसे इश्क कहते हैं। अच्छा, हम मोहब्बत से नाराज नहीं हैं, हम प्यार से नाराज नहीं हैं, प्रेम से नाराज, इश्क से बहुत, समाज को इश्क बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो है असल में, आप कहें कि मुझे, मैं समझता हूँ कि लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, किसी को इतराज़ नहीं होगा भाई, आपस में प्यार रहना चाहिए, कोई नहीं कहेगा बुरी बात कह रहे, आप इश्क कीजिए तो लोग कहें ये तो बिगाड़ रहा है, तो वजह क्या है, ये इश्क से समाज को, माशरे को, सोसाइटी को खतरा क्या है? ये यार, ये मेरी पसंदीदा बॉटल है, इससे मुझे प्यार है, ये मेरी प्यारी बॉटल है, इससे मुझे मोहब्बत है, ये नहीं दूंगा किसी को मैं, इश्क होगा ना तो इसके लिए जान दे दूंगा मैं, ये है मोहब्बत में, प्यार मोहब्बत में जान नहीं देता है कोई। वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, वसीम बरेलवी का शेर है, मैंने मुझे गजल गाई ना, उदास बहुत उदास सिर्फ मुझे को तो कर नहीं जाता, उसमें ये शेर आता है, मैंने गाया इसी शेर की वजह से, गजल गाई है मैंने। वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, वो दिन गए कि मोहब्बत
मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, अब कोई नहीं मरता, एक गया कल दूसरा आएगा। लड़की, ट्रेन और बस, एक जाती दूसरी आती है, ये है आज का, है ना। तो वो दिन गए, तो लिखा है कि दिल की चाहत ही नहीं बस है इबादत मेरी तू, मोहब्बत बहुतों की होगी। तू बहुतों की मोहब्बत है, तुझसे बहुत प्यार करते हैं लोग, पर इश्क अगर कोई करता है तो वो मैं करता हूँ तुझसे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सबको जाननी चाहिए। फिर लिखा है तू जुनू मेरा, तू जुनू है ना, जुनून है मेरा, तू जुनू मेरा, तू जिद मेरी। जुनू, जुनू यानी जुनून, किसी भी चीज़ को करने का पैशन होता है, कोई भी चीज़ करने का, तो तू जुनून है मेरा, है ना। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इससे प्यार करता हूँ, लगन है, मुझे अच्छा लगता है, क्रश नहीं है मेरा ये कि अट्रैक्ट हुआ है, म्यूज़िक अच्छा लगता है और हॉबी मेरी, वो नहीं, जुनून है। दिन रात सुबह शाम भूख प्यास कुछ नहीं दिखता है फिर, है ना। भूखे बैठे हैं, कितनी देर हो गई भूखे बैठे हैं, पड़ा हुआ है वो, सही बात है, पिज़्ज़ा फेवरेट, पर वो तो सिर्फ पसंद है, इश्क नहीं है। पिज़्ज़ा से इश्क थोड़ी है। जुनून है भैया, संगीत को लेके जुनून है, पोइट्री को लेके जुनून है। तो तू जुनू मेरा, तू जिद मेरी, नशा मेरा है तू, ऐसा नशा है तू, इंटॉक्सिकेशन हो जाती है मुझे, खुमारी हो जाती है। जब नशा हो जाता है फिर आप वही चीज करते रहे, फिर मन थोड़ी करता वहां से उठने का, एक पे एक और, एक और आंदो यार, एक और आंदो, एक और बनाओ, एक और बनाओ। वो नशा होता है, कि वो नशा ऐसा चढ़ता है ना, दीवानगी जिसे कहते हैं। तू जुनू मेरा, तू जिद मेरी, नशा मेरा है तू, तू मेरी दीवानगी, जिंदगी का मकसद है तू। यानी मोटिव क्या है मेरी लाइफ का, मेरी लाइफ का मोटिव म्यूजिक है, इच्छा नहीं है, पर्पस ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं ना, जिसके जिसको तलाशने के लिए हम गुम हैं, इस धरती पे घूम क्यों रहे हैं हम, मकसद क्या है जिंदगी का, पाना क्या चाहते हो, कोई मकसद ही नहीं, बेमकसद जिंदगी, यूं घूम रहे हैं, आवारा कर दी, यूं ही सीख रहे हो, आवारगी नहीं है, मकसद है जिंदगी का, यही करना है, इससे बनेगी जिंदगी, जिंदगी बनानी है संगीत से, तो संगीत से जिंदगी बनानी है, संगीत को जिंदगी बना लिया, मकसद है कि तू मेरी दीवानगी, जिंदगी का मकसद है तू, तुझको पाने की हवस में हदों से गुजरा हूं। हवस कहते हैं स्ट्रांग डिजायर, है ना। हम लोग हवस को बहुत गलत कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, हवस का वो मीनिंग नहीं है, शारीरिक भूख उसे हवस नहीं कहते हैं। हवस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, है ना, जिस प्रकार से हम कहते हैं ना बड़ा चमन आदमी है यार ये, है ना, चमन एक गाली के रूप में हम यूज करते हैं, चमन का शाब्दिक अर्थ होता है गार्डन, बाग, गजलों में चमन खिला, चमन खिला है ना, गजलों में अपनी महबूबा को चमन बोला गया, और आजकल की भाषा में लोगों से चमन का मतलब पूछ लो वो क्या समझते हैं वो आप जानते हो, है ना, तो वो नहीं होता चमन। उसी तरह से हवस जो है बहुत गलत मीनिंग लोगों के मन में बैठा हुआ है इसका, हवस का वो मतलब नहीं है, हवस का मतलब है जिद, किसी चीज़ को पाने की भयंकर भूख, उसे हवस कहते हैं, है ना। अब इसमें अगर आप जिस्म जोड़ दो तो वो जिस्म की हवस होता है, ज्ञान की हवस, मतलब इतनी हद से पाना है उसे, उसके बगैर होगा नहीं, शरीर कांप जाएगा अगर वो नहीं मिला तो, वो चीज़ ऐसी भूख है। लोगों को शारीरिक भूख होती है कि वो नहीं मिला तो, है ना, शराब की भूख होती है, वो चीज़ पढ़ाना ना वो आदमी, ये ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जो आए, जिनको निकाल दिया गया है तब भी दर पे पड़े रहे कि नहीं गुरुजी नहीं जाएंगे हम, जूते मारे उन्हें मेरे सामने लाइव, वो नहीं जाएंगे गुरुजी। तुम लोगों को तो क्या भूख है संगीत की, ऐसे होते हैं भूखे लोग। खैर वो नालायक भी थे इसीलिए भगाए भी गए, वो बात अलग है कि भूख है लेकिन भूख के साथ लायक भी होना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं कि नालायकी से आपकी भूख है, ऐसे थोड़ी कि भाई तुमसे प्यार है भाई हम तो बस अब तुम्हारे दर पे ही पड़े रहेंगे। अरे तुम लायक भी नहीं हो इसके कि तुम्हें हम साथ में रहें, तो फिर क्यों तुम्हें हम साथ में रखेंगे, है ना। कोई ऐसे आशिक को क्यों अपना बनाएगा कि पागल है लड़का मेरे पीछे, लड़का मेरे पीछे पागल है, पर वो वाकई में पागल है, वो बेवकूफ़ है, यहाँ से हिला हुआ है, बुद्धिहीन है, तो मैं क्यों, भले ही उसमें कोई भी दीवानगी हो, फकीर हो गया वो तो कपड़े फाड़ देता है, मजनू हो चुका है, ऐसे मजनू का रिश्ता नहीं चलता है। मजनू हो जाना बड़ा आसान है, संगीत में अगर कलाकार बनना है तो ये दीवानगी चाहिए, लेकिन इसमें हद भी चाहिए। ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्हें भान ही नहीं रहता है कपड़े क्या पहने, कहाँ बैठे हैं, वहीं पेशाब कर दिया बैठे बैठे, कंट्रोल नहीं है बॉडी पे, लेकिन कला उनकी देख लो, ऐसा लाइव देखे हुए हैं कलाकार हमारे,
कि उनकी कला मतलब पूछो मत फिर, है ना। तो वो चीज़ है कि हवस ज़रूरी है पर उसमें एक हद भी ज़रूरी है। तो लेकिन यहाँ लिखा है कि तुझको पाने की हवस में हदों से गुजरा हूँ मैं, कि क्या क्या नहीं कर बैठा। एक हद तो आप लोग भी क्रॉस करके यहाँ तक आ ही गए, अपना अपना घर बार छोड़ के, ये एक हद है। क्यों पाना है, चाहिए संगीत चाहिए, तभी तो आए हो यहाँ, है ना। भले सात समुंदर पार चला जाना पड़े, राम चले गए थे सीता को लेने, समुंदर पार चले गए क्योंकि चाहिए, वो दूर नहीं रख सकते, दूर रह नहीं सकते उससे, जहर पी लेंगे लेकिन कृष्ण चाहिए। वो चीज कि तुझको पाने की हवस में हदों से गुजरा हूं मैं, तू ही है वो वजह, तेरे दम से ही जिंदा हूं मैं। मेरे जिंदा रहने की वजह ही तू है, ये सांस चल तेरी वजह से रही है, ये सांसों की कड़ी जुड़ी है इश्क की वजह से। अहम है मेरे लिए तू, बहुत जरूरी है, अहम मतलब इंपॉर्टेंट। ये लाइन एक्चुअली मैंने दूसरी अंग से लिखी थी, बाद में इसको मैंने स्ट्रक्चर दूसरा दिया है, पर यहां दोनों अहम थे। गुरूर मतलब भी अहम होता है, अहम मतलब होता है अहम, संस्कृत वर्ड है ये, अहम मतलब मैं, मैं को कहते हैं अहम। संस्कृत में मैं का रूपांतरण करें तो अहम होता है, जैसे कुत्ते का कुकुर होता है, उसी तरह से मैं का संस्कृत रूपांतरण अहम होता है, मोह पे हलंत लगता है। तो मैं का मतलब ईगो भी होता है, सेल्फ सेंटर्ड, जो अपने अलावा किसी को नहीं देखता है। तो मेरा गुरूर है तू, है ना, कि तेरी वजह से मुझे मेरी मौजूदगी का एहसास होता है, कि मैं हूँ, मुझे फ़ख्र होता है, तू मेरा फ़ख्र है, मेरा गुरूर है। कहते हैं ना अपने बच्चे को, कहते हैं ना माँ बाप के, यार तू मेरा, यार आई एम प्राउड ऑफ यू, यार तू मेरा फ़ख्र है यार। वो चीज़ कि अहम है मेरे लिए तू, गुरूर मेरा फ़ख्र है, आग दिल की जोश खूँ का मेरा महंगा ख्वाब है। सस्ता मस्ता नहीं, ऐसा ख्वाब है, बहुत महंगा है, जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। खून 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 उसका शॉर्ट है, आग है दिल की, तू दिल में आग लगती है, करना है यार साला, है ना, फिर कुछ नहीं दिखता। आग दिल की जोश खूं का मेरा महंगा ख्वाब है, लत है मेरी लत, लत लग चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता इसके बगैर, तो पता नहीं क्या होगा। तलब, तलब भी उसी को कहते हैं, सिगरेट की तलब होती है, लोगों को जी नहीं सकते, चेन स्मोकर्स होते हैं, है ना, मर जाएंगे अगर नहीं मिली तो। 20 रुपए दे दो यार, कुछ तो पीऊंगा। उसे कहते हैं लत है मेरी तू, तलब है मेरी जरूरत तू ही तू, मेरी जरूरत है तू, जरूरत उसे कहते हैं। कपड़े जरूरत है, अभी नहीं मिलेंगे मर जाओगे, इतनी ठंड है, ये जरूरत है आपकी, है ना। लत है मेरी तू, तलब है मेरी, लत है मेरी तू, तलब मेरी जरूरत तू ही तू। और ये लाइन आप समझ लो तो बस, ये सार है पूरे गाने का, इसलिए लास्ट में लिखी है, और ये मेरी फेवरेट लाइन है, मेरी ही लिखी हुई, मेरी अब तक की फेवरेट लाइन है ये। राह जो मेरी रूह को रब में मिलाए वो है तू, रब से मिलाए नहीं है यहाँ, रब में मिलाए है। रब से मिलाने में रब और आप अलग अलग हो, और रब में मिलाने में एकाकार होता है, कि मैं तुझ में विलीन हो जाऊं, एक हो जाऊं, वन मेरी रूह को, मेरी आत्मा को। तो वो राह है तू, वो रास्ता है तू, है ना। इस पे लिखा है, कई लोगों ने लिखा है कि बंदगी से नहीं मिलता जाहिद, जाहिद यानी जो प्रीचर है, वाइज यानी बहुत ज्यादा संत आत्मा, जो पूजा पाराधना आराधना वो करते हैं, उन्हें कहते हैं जाहिद, उन्हें जाहिद भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि बंदगी यानी पूजा करने से, आराधना पूजा मंत्रो जाप ये, कि बंदगी से नहीं मिलता जाहिद, खुदा आशिकी से मिलता है। और आशिकी उसे कहते हैं जब एकाकार हो जाता है, फिर आप और भगवान अलग अलग नहीं, एक होते हो, उसे कहते हैं आशिकी, उसे कहते हैं इश्क, छोटा मोटा नहीं। अब इसमें जैसे आपने लास्ट की जो लाइन लिखी है, इसको आपने किस चीज को कहा है कि कौन उस रब से मिलाएगा, रूह को रब से मिलाएगा, किस अपने अपने ऊपर है, अपने अपने ऊपर है। आप अपने गुरु को मान सकते हो, आप अपने गुरु को वो राह मान सकते हो, कि तू ही वो रास्ता है जो मुझे सच्चा रास्ता दिखाएगा। तो वही तो, कोई थर्ड पर्सन ही चाहिए होता है आपको। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है कि गुरु ही आपको ईश्वर से मिलाता है। संगीत क्या है, संगीत ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है, तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कौन है, संगीत है, संगीत मिला रहा है आपको ईश्वर से। मैंने किस पर्पस से लिखा है और आप किस पर्पस से समझते हो, यही गजल है, यही गजल है।
मैंने बहुत पहले लिखा था कि एज अ सिंगर जब आप एक राइटर के पर्सपेक्टिव यानी उसने किस दृष्टिकोण से लिखा है उसको समझने लग जाते हो तो समझ लो सही जा रहे हो, है ना। अब इसे पूरे गीत को इसका सेंटर एक लड़की मान सकते हो, इस पूरे गीत का सेंटर अपना गुरु मान सकते हो। क्यों नहीं मिलाती, क्यों नहीं मिलाती? इश्क अगर करोगे तो मिलाता है इश्क। इश्क इसमें मैंने लिखा है पूरा, इस पर भी मैं लिख चुका हूँ, इस पर करेंगे किसी दिन, बहुत लंबी गैस बॉयस होगी। मैं आज से नहीं, मैं 3.5-4 साल से लिख रहा हूँ चीज़ें, ये है ना। कब होगा, कब होगा, सुनो तो सही, कब होगा? जब इश्क इंसान से नहीं करोगे आप, इंसान से इश्क करते हो ना तो यहीं रह जाता है इश्क। उस जज्बे से करना है, उस इमोशन से करना है, प्रेम से। प्रेम को समझो, प्रेम क्या है। संतों ने, विवेकानंद ने भी प्रेम पे भी लिखा है ना। ये हो सकता है ना, इससे जो मैं रिलेट कर पाऊं कि किसी लड़की से इश्क किया, रूहानी प्रेम किया उससे, तो उसने उस उसने उससे उसे जोड़ा, उसका अटैचमेंट वो नहीं जोड़ता है, वो नहीं जोड़ता है, अटैचमेंट नहीं था उसके साथ, वो रिलेशन कोई बॉडी रिलेशन नहीं था, अटैचमेंट नहीं थी, उसके वैल्यू से, उसके रूह से इश्क था, और वो संगीत से जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअल है, तो वहां से कनेक्शन हो सकता है। वो सिर्फ एक, वो एक माध्यम बनता है, है ना। दिक्कत यही आती है हमारी, हमारी, हमारे इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है, हम भावों को इंसान से जोड़ते हैं। भावों को भाव के तौर पे समझो, वही बात, हम रागों को ख्याल से जोड़ते हैं। राग को राग के तौर पे समझो ना, कि राग का इमोशन क्या है। राग का इमोशन श्रृंगार है, श्रृंगार समझ आया तो जितने ख्याल हैं खुद ब खुद गा बैठोगे, अपने आप गवेंगे। उसी तरह से इश्क को समझो, इंसान से मत करो, इंसान से लगाव होता है, है ना। मातृत्व, मातृत्व क्या होता है, मातृत्व किसे कहते हैं? माता का जो तत्व होता है उसे कहते हैं मातृत्व। गुरुत्व, गुरु का तत्व होता है, वो तत्व आप मुझ में देखते हो तो मैं आपका गुरु हूं, वरना एक 22 साल का लड़का हूं मैं, निषाद मेरा नाम है, एक लड़का हूं मैं, किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, है ना। पर मेरे अंदर एक तत्व देखते हो। राजा जनक ने छिपकली को अपना गुरु माना था, छिपकली को गुरु माना, गुरु तत्व ढूंढा उन्होंने उसमें। अष्टावक्र को जानते हो, नाम सुना अष्टावक्र का, है ना। अष्टावक्र आठ जगह से टेढ़ा, आठ जगह से टेढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया राजा जनक ने उठ के। राजा जनक को विदेही मानते हैं, विदेही मतलब जो अपना देह त्याग सकता है, शरीर, शरीर त्याग के वहां खड़े होके बोलेगा हाँ ये रहा राजा जनक, उसे विदेही कहते हैं। वैसा व्यक्ति एक आठ जगह से टेढ़े व्यक्ति को प्रणाम कर रहा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है, तत्व उसे कहते हैं। उसने उसके रूप रंग आकार नहीं, उस व्यक्ति से नहीं, उसके अंदर के तत्व से प्रेम किया। मीरा ने तो कृष्ण को देखा भी नहीं था तो उसे प्रेम कहां से हुआ, उसे प्रेम से प्रेम हुआ था, है ना। इश्क से इश्क करो तो आती है चीजें, आपको इश्क को समझना पड़ेगा, ये नहीं कि वो जो गुण थे, जो उसके हाँ, उससे हाँ, प्यार हुआ है। प्यार वो भी देखो इस पे देखो, ये भी एक सवाल है यार, इस पे हम बहुत चर्चाएं कर चुके हैं, आज मेरा पिज्जा छुड़वाओगे पर ये बात है कि इसको कई जगह पर रिलेट होती है चीजें ना, सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से इसको समझ सकते हैं, इस गजल को। बिल्कुल, गजल की खासियत ही तो यही है, यही तो उसकी खासियत है। अब देखो, किसी ने कोई लिखता है कि नहीं सत्य, बिना शास्त्रार्थ के कुछ नहीं होने वाला। डिबेट सही है ना, देना वो सवाल, ये गजल ले लो उसको डिबेट करो, फिर वो सुनेंगे तो मजा आएगा। ये देखिए, तो हमसे कहा गया कि प्यार तुम मुझसे नहीं मेरी खूबियों से करते हो। जो आप चीज अभी जो आप सारी बातें बोल रहे हो ना, उसी की बात बता रहा हूँ। प्यार तुम मुझसे नहीं मेरी खूबियों से करते हो, मेरी कविताओं से, मेरी कहानियों से, मेरी आंखों की गहराइयों में तैरते मौसमों से, मेरी आवाज़ के ठहराव के छुअन से, मेरी अलहदा सोच से, दुनिया के रिवाजों को तोड़ने की मेरी आदत से, कि मैं तोड़ती हूँ दुनिया के रिवाजों को, दुनिया के रिवाजों को तोड़ने की मेरी आदत से, ये सब वो तमाम वजह हैं जिनके कारण तुम मुझे प्यार करते हो। और वो प्यार कैसा जिसे वजह की ज़रूरत हो। इस पर मेरा जवाब सुनिए। नहीं, ये मुझे किसी ने कहा है, तो इस पर मैंने क्या किया है, इसी पूरे पैराग्राफ का जवाब, कि अगर वो खूबियां तुम्हारी हैं तो तुम कौन हो,
अगर वो खूबियाँ तुम्हारी हैं तो तुम कौन हो, अगर वो कविताएं कहानियां तुमने लिखी हैं तो तुम कौन हो, अगर वो गहराई आंखों की तुम्हारी है, वो आवाज़ तुम्हारी है तो तुम कौन हो, सोच और आदतें भी तुम्हारी हैं अगर तो तुम कौन हो। माना कि बेवजह होता है प्यार, पर होता है एक एहसास ही, और जगते हैं जज्बात वो एहसास एक वजह से ही, बिना वजह के वो एहसास वो जज्बात नहीं जगते हैं। तो शायद वो वजह वो सबब मतलब कारण, शायद वो वजह वो सबब इश्क का, हाँ शायद वो हर एक कारण तुम हो।